सर डॉक्टर श्याम गोलभ जी का हम कैंटीन से जोरदार गर्मजोशी से श्याम गोलभ जी मिस्टर संतोष पाटिल सर सारे लोग मिलकर हम साथ का जोरदार गर्मजोशी से ताला बजाएंगे। एक बहुत ही बड़े हैंडसम और डायनामिक पर्सनालिटी हमारे डॉक्टर श्याम गोलभ सर, सो सर प्लीज वेलकम, टेक सीट यू सर प्लीज। इंतजार अभी खत्म हो चुका है। जिस शख्स को हमें एक से डेढ़ घंटा मुश्किल से मिला है, टाइम नहीं है, शाम का रिटर्न फ्लाइट है उनका सर, बहुत कई बार डेट आगे पीछे होते हुए हमें 2 अक्टूबर मिली है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय गण हमारे चीफ गेस्ट जो डॉक्टर गोलभ साहब है उनका एक फूलों से फूलहार से हम स्वागत करेंगे। तो हमारे माननीय जो गण व्यक्ति है मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर गोलभ साहब यहाँ पर आएंगे, हम आपका एक फूलों से स्वागत करेंगे दोस्तों। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम बोलूंगा, सुप्रीम स्टेज पे आएंगे तो हमारे साहब का स्वागत करेंगे। मैं मोहनलाल गुप्ता जी को रिक्वेस्ट करूंगा सो स्टेज पे आएंगे, कापड़िया सर को रिक्वेस्ट करूंगा, बेवड़ा साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे करीम करीम पटेल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा, जे जे पटेल सर आपको और गिरीश भानुशाली सर सर सारे सर प्लीज, किशोर दुबे सर प्लीज, सो वेलकम सर किशोर दुबे सर प्लीज, जोरदार तालियों से सामने का स्वागत करेंगे सर। करीम पटेल सर, गिरीश भानुशाली सर प्लीज, ओके धन्यवाद। अभी आपके और साहब के बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अभी से जो माइक हमारे गोलभ साहब को दे रहा हूं, सो प्लीज थैंक यू सर, वेलकम सर। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली जो पंद्रह दिन तहजीब थी मुझे मालूम नहीं है, आज इन उनके स्मरण में हम लोग ये दिन मनाते हैं तो उनको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सर थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। जिस सेमिनार के बारे में या जिस अब राष्ट्रगीत की शुरुआत नहीं तो हम सब लोग अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत राष्ट्रगीत से करेंगे, तो मैं सबसे करने वाले जितने आज आपको दिखाई देते करंट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री के बारे में हमको डिटेल में चर्चा करनी है, अगर आपको सब बताना है, नॉलेज देनी है, तो इसके लिए कम से कम 2 से 3 दिन का कॉन्फ्रेंस लगता है जो अदर फिक्कीज या है वो अरेंज करते हैं और नए इंडस्ट्री के बारे में उद्योगों को बताते हैं। लेकिन आज सिर्फ एक टॉपिक पे ये प्रेजेंटेशन है, वो टॉपिक है कि ये जो इंडस्ट्री है वो अभी सनराइज पीरियड में है, यानी सूरज अभी तक उगा नहीं है, इंडस्ट्री अभी तक पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुई है। तो अभी अगर इस समय पे हम लोग इस इंडस्ट्री में अगर एंट्री करते हैं तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसके बारे में सिर्फ प्रेजेंटेशन। दोस्तों जिस उद्देश्य से ये एमसीएल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन ये चालू हुई उसका उद्देश्य बिजनेस से कहीं ज्यादा है, हम लोग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं लेकिन बहुत आगे जाके एक बहुत बड़ा उद्देश्य के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ये संगठन चालू हुआ है, इसका काम चालू हुआ है। एक बहुत बड़ा खतरा आज हमारे सामने है जिसके बारे में पेपर में ज्यादा आता नहीं, टीवी में ज्यादा बताते नहीं, वो खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का। हमारे पास सिर्फ एक घर है, एक पृथ्वी है, एक वातावरण है और इसको हम लोगों ने इतना खराब किया है कि अगर आज हम लोगों ने कुछ किया नहीं तो बहुत देर होने वाली है। ये जो बार बार नेचुरल कैलामिटीज जो संकट आ रहे हैं ये ऐसे ही नहीं आ रहे, इसके बारे में बहुत बड़ी एक वजह है। हम लोग क्या करते हैं कि एक तरह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो फॉसिल फ्यूल की वजह से हो रहा है,
यानी जो ईंधन हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उसके वजह से हो रहा है। हम लोग लगा रहे हैं पेड़, पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो मिड साइज कार यानी डीजल जितनी कार जितना पोल्यूशन करती है उसको 100% अगर रिसाइकल करना है तो हमें 100 हेक्टर इतना जंगल चाहिए, तब जाके वो पोल्यूशन हम लोग रिसाइकल कर पाएंगे। तो सोचिए, ये पेड़ लगाना सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन क्या है कि जो ईंधन, जो फ्यूल आज हम लोग यूज कर रहे हैं उसको ऐसे ईंधन से हम लोग रिप्लेस करें जो स्वच्छ हो, जो क्लीन हो और ये पूरी धरती माता की जो रक्षा करे। बस इसी उद्देश्य से हम लोग धरती माता को बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम इसकी शुरुआत की। ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है, ये पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो चलता है क्रूड ऑयल और क्रूड गैस के ऊपर। ये क्रूड ऑयल और क्रूड गैस कुदरत ने बनाया है, हजारों साल लगे इसको बनाने के लिए। अपने इंडिया के अंदर 20 बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, जो रिफाइनरीज ये क्रूड ऑयल और क्रूड गैस इंपोर्ट करते हैं अबाउट 82%, और ये इंपोर्ट करके उसके प्रोडक्ट बनाते हैं और ये प्रोडक्ट फिर हम लोग मार्केट में बेचते हैं। उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको बोलते हैं OMC, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। जिन कंट्रीज से हम लोग ये लेते हैं उनको बोलते हैं ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, राइट। अब ये पूरा जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस उसके ऊपर चल रहा है जो कुदरत ने किया है हमारे लिए, राइट। जो कुदरत ने क्रूड ऑयल और क्रूड गैस बनाया है दोस्तों, यही क्रूड ऑयल और क्रूड गैस अभी फैक्ट्री में तैयार होने वाला है। उसको हजारों साल लगे तो ये कुछ मिनटों में तैयार होने वाला है। और ये तैयार कैसे होगा, तो अपने नेचर में कुदरत में बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हर चीज का विघटन कर सकते हैं और उससे एनर्जी निकाल सकते हैं, कार्बन निकाल सकते हैं और उससे हम लोग हाइड्रोकार्बन यानी फ्यूल बना सकते हैं। तो ये फैक्ट्री में जब तैयार होगा उसके लिए वही रॉ मटेरियल लगेगा जो कुदरत ने यूज किया। ये हर तरह का बायोमास, हर तरह के पान फूल पत्ते इससे ही कुदरत ने बनाया है और उससे ही हम लोग बनाने वाले हैं। और हम लोगों ने क्या किया, ये जो सूक्ष्म जीव है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोगों ने खोज की, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढ लाए जिसको हम लोग बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, और उनको अच्छी तरह से काम करने के लिए जो वातावरण हम लोगों ने दिया उसको बोलते हैं बायो रिएक्टर। एक बार हम लोगों ने क्रूड गैस और क्रूड ऑयल बना दिया, उसके बारे में जो कुछ चीज है वो सेम होने वाली है। रिफाइनरीज वैसे ही लगने वाली है जैसे आज आपको अभी मार्केट में दिखाई देती है, प्रोडक्ट्स वही बनने वाले हैं जो आज कस्टमर यूज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे बिजनेस में यह है कि हमने वो प्रोडक्ट तैयार करने वाले हैं जो आपके कस्टमर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर पाए। यानी अगर आज आप LPG का सिलेंडर यूज कर रहे हो तो ऊपर की जो शेडी है वो वैसे ही रखिए, सिर्फ नीचे का सिलेंडर आपको हटाना है और अपना सिलेंडर लगाना है। अगर आप अपनी व्हीकल जो भी पेट्रोल की है डीजल की यूज कर रहे हैं उसको 100% CNG में कन्वर्ट करिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल नहीं करने का। मैं बैटरी व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूं, जो अभी आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बैटरी व्हीकल्स। आपके एग्जिस्टिंग पेट्रोल या डीजल कार हम लोग बैटरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आपका एग्जिस्टिंग जो चूल्हा है वो हम लोग बैटरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कस्टमर हमारा यूज कर सकता है ऐसे फ्यूल बनाना और बेचना, ये हमारे बिजनेस का उद्देश्य है। अगर एक लाइन में मैं बिजनेस के बारे में बोलूं तो ये बिजनेस ये है कि ऐसे फ्यूल्स उसका उत्पादन करना और कस्टमर को बेचना। तो ये इंडस्ट्री आने वाली बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी होने वाली है। किसी भी कंट्री में आप जाइए, कोई भी देश, उसमें पहले जो बहुत बड़े बड़े उद्योग समूह रहे थे और नंबर वन होता है एनर्जी। दोस्तों जब मैं बोल रहा हूं इस विषय में हम लोगों ने बहुत साल से काम किया है और आगे के 50 साल में इस इंडस्ट्री में हमें नंबर वन करके काम करना है। तो जब मैं बोलता हूं कि हमें नंबर वन करके काम करना है इस इंडस्ट्री में, जैसे आज मोबाइल में एप्पल है तो हमें इस इंडस्ट्री में एप्पल बनना है, तो बहुत सारी चीजें का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों के बारे में काम करना पड़ता है। इसके बारे में लोग नहीं सोचते, लोगों को लगता है बायोफ्यूल है, गवर्नमेंट अभी बहुत जोर शोर से कर रही है तो हम लोग भी अपना नसीब आज पाते हैं, हम लोग काम करते हैं। और कोई भी नई इंडस्ट्री जब खुलती है तो हजारों कंपनियां उसमें ट्राई करती है काम करने में, बिजनेस करने में, लेकिन तीन चार साल के बाद वही कंपनी टिकती है, काम करती लॉन्ग टर्म, जो इसके लिए तैयार होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रॉ मटेरियल क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे रहेगा, क्या बिजनेस मॉडल रहेगा, कैसे हम लोग कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, ये बहुत सारी चीजें रहती है जिसके लिए काम करना पड़ता है और जिसके लिए लगता है समय। अभी एप्पल नंबर की कंपनी है,
जॉब उसको पहले 17 साल लगे ये सब काम करने। दोस्तों ऐसी ही कुछ हिस्ट्री हमारी भी है, मैंने खुद अपने जिंदगी में 15 साल इसमें मैं काम कर रहा हूं। अगर आप हमारी जर्नी देखते हुए मैं अपने बारे में कुछ बोलता हूं, जैसे सर ने तो बताया मैं एक टिपिकल लोअर मिडिल क्लास मराठी फैमिली से, दादर मुंबई में मैं बॉर्न एंड ब्रॉटन। जब मैं छोटा था तो मुझे बोला करते थे कि तू पढ़ाई कर अच्छी, तो अगर अच्छी पढ़ाई करेगा तो बनेगा। तो मैंने अच्छी पढ़ाई की और स्कूल में फर्स्ट आया। जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे बोला कि तू डॉक्टर बन तो इंजीनियर बन, तब तेरी लाइफ एकदम सेट है। मैंने अच्छी पढ़ाई की 11th 12th। हमारे यहाँ का जो नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बना, और जो नंबर वन मेडिकल कॉलेज है KEM हॉस्पिटल है, जेएस मेडिकल कॉलेज, वहां मुझे मेडिकल मिला। मैंने जेएस में यानी KEM में एमबीबीएस करना चालू किया। उसके बाद फिर मैंने रिसर्च किया अगर मुझे बॉम्बे में प्रैक्टिस करनी है तो मुझे ऑर्थो नहीं तो गायलैंड इसमें पीजी करनी पड़ेगी, MD-IMS करना पड़ेगा। तो मैंने उसमें भी अच्छी पढ़ाई की एंड आई वॉज फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ MD-IMS। उसके बाद मेरा रोल नंबर एकदम क्लियर था कि मुझे MD-IMS करना है और US जाके इनफर्टिलिटी में सुपर स्पेशलाइजेशन करना और सेट हो गए। लेकिन जब मैं कर रहा था, जब मुझे MD-IMS में एडमिशन मिला, मैं MD-IMS कर रहा था, तब मैं हमेशा एक्चुअली बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो मुझे लगा कि मैं हम लोग इतनी पढ़ाई तो करते हैं और एक साल अगर मैं पढ़ाई करूं तो मैं IAS IPS बन जाऊंगा, तो उससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी ये काम करने के। तो मैंने कंप्लीट कुछ किया नहीं MD-IMS और आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर IAS। जब मैं IAS की पढ़ाई कर रहा था तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट था एनवायरमेंट, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। उसी दौरान उसी सिलसिले में मैं एक कॉन्फ्रेंस में माननीय अपने अब्दुल कलाम सर है उनको मिला। दोस्तों उनका विजन देख के मुझे लगा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमेशा खुद के बारे में सोचते, खुद के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने समाज के बारे में, बस इसके आगे ज्यादा कुछ हम लोग सोचते नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे है तो जो पूरे देश के बारे में सोचते, पूरे दुनिया के बारे में सोचते, खुद के बारे में कुछ नहीं सोचते। और ऐसे आदमी को मिलने के बाद मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। तब से मैंने ये पूरी सब चीजें छोड़ दी और तब से लेके मैं सिर्फ उनका स्टूडेंट रहा हूं। ये मुझे जो पोस्ट मिली अभी बॉम्बे में वो तो मैंने एग्जाम दी थी, उसके बाद मुझे तो ठीक, अदरवाइज तब से मैं सिर्फ इसमें काम कर रहा हूं एज अ सिंसियर स्टूडेंट। हम लोग ये जो पूरा संगठन है या क्लाइमेट चेंज काउंसिल है ये शुरू किया अब्दुल कलाम सर का एक टीम थे साइंटिस्ट लोगों जो यूनाइटेड नेशन में 35-40 साल से वहां इस विषय में काम कर रही थी कि कैसे ये पर्यावरण की रक्षा करें। और हम लोग क्या करते थे, Every 3 months, 6 months हम लोग पूरी दुनिया के अंदर के जो साइंटिस्ट थे, कंपनी के साइंटिस्ट, बाकी के साइंटिस्ट, ये सब आके हम लोग जैसे आप लोग बैठे वैसे 2-3 दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस हो चलता था कि इस सेक्टर में कैसे बेटर एंड बेटर टेक्नोलॉजी लाए। और इस विषय में जो भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए है वो एक्चुअल फील्ड में किए है। मैं अभी जो भी आपको बताने वाला हूं ये मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कहीं पढ़ के आपको बता रहा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हर चीज मैंने खुद अपने हाथों से की है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूं मैं दादर में मुंबई में, हमारे नाम पे कोई साधारण नहीं, जमीन नहीं। मैं पहली बार जब खेतों में गया ना एक जट्रोफा लगाने के लिए गया 2004 में, जो जट्रोफा मैंने लगाया वो एक साल के अंदर 6 फुट और उसको फ्रूट आने लगे। बिकॉज तब तक इतने सारे लोग आए थे बायो डीजल में और जट्रोफा में बहुत सारे, एक किसी को मालूम नहीं था जट्रोफा का कौन सा बीज लगाए जो किसान को खेडूत को अच्छी फसल आए। और ये साइंटिस्ट लोग ऐसे थे कि उन्होंने 30 वैरायटीज ऐसे डेवलप की थी जो फास्ट ग्रोइंग गिविंग बेटर यील्ड एंड हैविंग हायर ऑयल कंटेंट ऐसी। तब से लेके आज तक जो भी कुछ चीजें किए ना हम लोगों ने अपने हाथ से किए, मैंने अपने हाथ से किए, कोई भी आईआईटी हम लोगों ने लैब में की नहीं है, तो फील्ड लेवल पे कमर्शियल स्केल पे की है। और एक हमारा डिपार्टमेंट था, दो डिपार्टमेंट है एक्चुअली जो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, और जो एक डे वन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन को यह बता रहा था कि कैसे आने वाला ये बायोफ्यूल क्लीन फ्यूल अपने एग्जिस्टिंग फ्यूल से कितना बेहतर है, तो हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो पहला फोटो है ये 2005 में महाराष्ट्र में CM थे विलासराव देशमुख जी, जिनके लड़का हीरो है उनके पिता है, तो तब उनके गाड़ी पे हम लोगों ने उस बायोफ्यूल चलाया था।
बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग का, तो सीलिंग का काम चल रहा था और बहुत सारा प्रदूषण उधर हो रहा था पानी, तो वहां हम लोग डीजल में इस्तेमाल करके ऐसा प्रदूषण कम हो सकता है, इसका हम लोगों ने देखा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, अभी अलगे का प्रोजेक्ट है, ये सब मैं आपको बताने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारा काम हम लोगों ने इतने साल में किया हुआ है। तो ये हमारा ग्लोबल नेटवर्क है कि जिस नेटवर्क के आधार पर हम लोग ये सब इस पर पहुंचे हैं, ये प्रोडक्ट्स है। और ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में बायोफील्ड में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज इतने ज्यादा काम बाहर के देशों में कर रहे हैं। बिकॉज अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये टेम्परेट कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको होता है। दोस्तों एक टाइम था कि हमारा पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा था, उतना अनाज हमारे पास नहीं था, टेक्नोलॉजी की क्रांति हो गई, 5 एकड़ में जितना बनता था वो भी एक एकड़ में बनने लगा, और हम लोग अन्य धान्य में फूड ग्रेन में स्वयंपूर्ण हो गए, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। बाद में एक टाइम था कि जब हम लोग यहाँ के दूध के लिए दूध की पाउडर इंपोर्ट करते थे, लेकिन सब किसान भाइयों ने मिलकर ऐसा कुछ बिजनेस किया, बिजनेस मॉडल के तहत, कि जो अब हम लोग आज के तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी दूध बनाने वाले कंट्री है, देश है। ऐसा ही काम हमें अभी ऑयल एंड गैस में करना है। दोस्तों हमें 2030 तक अपने देश को ऑयल एंड गैस में स्वयंपूर्ण करना है, और इसके लिए आज क्या करना है, 1 साल के बाद कहां होना चाहिए, 3 साल के बाद हमको क्या करना चाहिए, ये पूरा रोड मैप आज हमारा तैयार है। बस इस रोड के ऊपर सिर्फ हमें अभी चलना है। एट द सेम टाइम 2030 तक जो भी ऑयल एंड गैस, इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी अपने को दिखाया और देने का वादा किया है कि हम इसका 1000 करके दिखाएंगे तभी ब्रांड बनेगा। तो क्या आप ब्रांड बनने के लिए तैयार है? यस। सबका खूब खूब धन्यवाद, और मैं सबको 2 मिनट इधर ही स्टेज पे रहने के लिए आमंत्रित करूंगा, और मैं पार्थिव व्यास जी और इकबाल मंसूरी जी को आमंत्रित करूंगा, जो सबका साल और सिंपल से स्वागत करेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। गोलक सर नमस्कार, माई सेल्फ किरीट धारा फ्रॉम अहमदाबाद। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब आपने हमें दिखाई, थैंक यू। एक क्वेश्चन ये था कि ये इंडस्ट्री इन फ्यूचर ग्रोथ करने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। गुजरात में आपने प्लानिंग किया, तो यहाँ पे भी हेड ऑफिस वगैरह कुछ होगा या कुछ? ऑफिस रिगार्डिंग उनका सवाल है, ऑफिस तो ऑलरेडी आपके सवाल के पहले ही ऑफिस चलो ऑफिस यहाँ फाइनल हो चुका है, जोरदार था ऑफिस। और किसी का क्वेश्चन और कोई? और रोहित पटेल साहब, यस यस सर, नमस्ते, मैं अहमदाबाद से लक्ष्मीकांत रामावती। आज आपका उद्देश्य जो हम लोगों को बताया है वो बहुत ही सुंदर है। हम चाहते हैं कि हमारे देश को इसी तरफ जाना अभी कंपलसरी है, और इस स्थिति में मुझे एक कुछ प्रश्न ये है कि जो बायो फर्टिलाइजर के ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपने प्रोजेक्ट बताया, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो हर रेगिस्तान में हर जगह सॉइल के डिफरेंट क्वालिटीज है और हर सॉइल की डिफरेंट डेफिशिएंसी है, तो ये एक ही फर्टिलाइजर जो है वो पूरे इंडिया में काम कर सकेगा? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। हाँ, वो एक्चुअली फर्टिलाइजर डिफरेंट इसके होते हैं। हम लोग हर जिले के लिए, जैसे उनका जिला भी नहीं, तालुका के लेवल पे भी हमारा जमीन के बहुत सारी चीजें बदलती है। अपने इंडिया के अंदर 36 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है, तो इसका बहुत अलग कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब कुछ, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने पूरा काम करके रखा है।
यानी कौन सा बायोमास हम लोग उगाएंगे और कौन से टाइप का फर्टिलाइजर होगा। लेकिन इसमें एक कॉमन चीज है कि जो कार्बन रहता है इससे वो फर्टिलिटी आती है सॉइल में। हमारे फर्टिलाइजर में कम से कम 15% वो कार्बन रहने वाला है जिसमें फर्टिलिटी बढ़ेगी। बाद में एनपीके है या बाकी कुछ है वो तो हम लोकली ये करने इसलिए हम लोग बाहर नहीं बेचेंगे वो किसी किसान के लिए। हेलो आशीष सर, इस प्रोजेक्ट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या थोड़ा इसके बारे में आई थिंक आप सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक छोटा सा भी टारगेट है में छोटे से शेयर अपने पास थोड़े से तो जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर उस बेसिस पे होते हैं लेकिन उसमें ऐसा कुछ देखा नहीं हम लोग। और किसी का मिनिमम 1000 रुपीज आईपीओ के टाइम पे हमको लेके जाना है। लेकिन जैसे जितने नंबर ऑफ शेयर्स अपने बढ़ने वाले और प्रोजेक्ट्स लगने वाले उसके हिसाब से वो ज्यादा ही होंगे। अभी 20 रुपए के कितना भी ले सर कितना भी ले सर। पर और दूसरा एक है मैंने एक बात बोली नहीं आपको वो जो मैंने बोला ना कि ये अभी 300 का बाद में 5000 करना है हमें अभी 4.5 उसमें अगर भी अगर आपको कभी एग्जिट होना हो एग्जिट यानी निकलना हो तो आप वो शेयर कंपनी को देके निकल सकते हो आप समझ सकते हैं। देखो प्राइस वो तो हर बार जब भी प्राइस इज डिसाइडेड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट और अभी तो आया है कि मर्चेंट बैंक नहीं वैल्यूएशन कर सकते तो अभी उस टाइम वैल्यूएशन हमेशा ज्यादा होगी। लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम ये बोलते हैं कि अगर आपने 30 रुपए का लिया तो हम लोग आपसे 60 रुपए का कम से कम लेंगे 150 साल तो आप वो भी एग्रीमेंट कर सकते हैं हमारे से। और किसी यस सर मेरे प्रश्न है जैसे अभी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है गाँव में तो वो आता है तो उसके अभी सिस्टम है और वो गांव में जैसे केड़ुत को 2 रुपए का जो माल लेते हैं यहाँ पर आके वो 20 रुपए का बेच रहे हैं तो वो सिस्टम को नेक्सस को कैसे तोड़ेगा। देखो वो सिस्टम दोनों इसमें फेयर को भी हम लोग धंधा करने जाएंगे तो वो सिस्टम है और फार्मिंग के साथ भी वो सिस्टम लोग बहुत सारे ऐसे उसपे दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। जो कस्टमर है ना कस्टमर उसका अगर हम लोग सही ख्याल रखेंगे तो इसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो लोग वहां काम कर रहे हैं कुछ भी बोल लीजिए एक तो आधे लोग इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं बिकॉज उनको मालूम है कि ये फ्यूचर है ये लॉन्ग टर्म है तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ यहाँ हम लोग ये करने वाले तो बहुत सारे लोग हमारे चेन का सिस्टम सिस्टम का भाग बने एक या दूसरे यानी हम लोग अपने सिस्टम डेवलप कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर पहले भी विचार महाराष्ट्र में भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ दोनों स्टेट में मैंने काम किया इसको बोल रहा हूँ ये बोलता था कि उनको इसका ज्यादा भाव मिलेगा तो फिर बजाय उनके भी लगाने का कोशिश की है क्योंकि अल्टीमेटली तो वो सोल्यूशन नहीं आ रहा मतलब क्या हो रहा है वो लोग अच्छा बना के रहे अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर रहे पर मार्केट में आने का उसका रेट आगे बढ़ जाता है उसका बेनिफिट फार्मर को तो उनमें नहीं मिल रहा बीच के लोगों को मिल रहा है तो बीच का नेक्सस जो है ना वो इतना स्ट्रांग है कि उसको गांव गांव जो कलेक्शन जो अपना लेकर होना चाहिए कंपनी का वो जब तक नहीं लेकर और सिटी में नहीं लाया तब तक ये नहीं होगा। देखो इसलिए तो हम लोग गांव में जाके बैठे हैं ना हम लोग गांव में जाके बैठ के वो माल लेने वाले तो अपने बीच में अपने और किसान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए ना तो लॉजिस्टिक अपना करना पड़ेगा। इसीलिए तो हर प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत के लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे ही अपना प्रोजेक्ट और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत का जो आदमी है कोई उसको ही से उसी से वो प्रोजेक्ट लगाओ तो वो हर घर घर में कैसे जाएगा क्या जाएगा उसके कोई एसओपी अपने पास देखो वन टू वन रिलेशनशिप हम लोग डेवलप करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो कोई दलाल ना रहे बीच में कंपनी के बीच में और किसान के बीच में ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको पैसा देते हैं। थैंक यू डायरेक्टर के शेयर अभी हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन डायरेक्टर को करना पड़ेगा कि हमें आपके शेयर चाहिए और उसके बाद बाकी के जो है शेयर सर्टिफिकेट और अभी हम लोग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट देंगे और बाकी अभी तो
कंपलसरी हुआ है को डीमैट कराना है। तो पहले तो एक बार हम लोग फिजिकल लेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी तक मालूम नहीं कि शेयर सर्टिफिकेट वगैरह कैसा, और डीमैट पहले दिन से करेंगे तो उनको शायद ये नहीं होगा। तो हम लोग शेयर सर्टिफिकेट देंगे फिजिकल, उसके बाद वो मान लें डीमैट। अच्छा सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मुझे थोड़ा किस तरह ऑर्गेनिक को अभी कैसे कि हर जगह काम हो रहे हैं, जैसे हमने बताया ना बहुत सारे जगह पे अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर्स कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो मेरी खुद की जमीन है तो आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेड एंड बटर उसमें नहीं है।